नंबर 8 और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करिए, जिससे जो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। चलिए दोस्तों, कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कंडक्टर होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए, अगर आप अपना पेपर अच्छे से वहाँ पर देना चाहते हैं MCQ बेस पर, तो ये आपके बहुत ही अच्छे से काम आने वाले हैं जो मैं आपको टॉपिक ये क्लियर कर रहा हूँ। कंडक्टर की अगर बात करें, पहले समझते हैं कंडक्टर। इलेक्ट्रिक सप्लाई को जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कंडक्टर। कहने का मतलब जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन होती है वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आपके कंज्यूमर अर्थात आप ग्राहक तक पहुंचती है। जब आपके इलेक्ट्रिक जनरेशन जहां से जनरेट होती है अर्थात जैसे थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सभी कहाँ है, पावर वहाँ पर जनरेट होता है। जब यहाँ से पावर आपका जनरेट हो जाता है, यहाँ से बन जाता है, तो ये लाइट ट्रांसमिट होती है। लेकिन माध्यम क्या होता है? तो माध्यम आपका कंडक्टर होता है। देखिए कंडक्टर और केबल दोनों के माध्यम से होता है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं कंडक्टर की, तो यहां पर समझेंगे पहले कंडक्टर। आने वाली वीडियो में आपको केबल के बारे में बताया जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में केबल भी है। ओके, तो पहले समझते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर जनरेटिंग स्टेशन से, जनरेटिंग GS मतलब जनरेटिंग स्टेशन से, जहाँ से आपकी पावर जनरेट हुआ बना, अब वो आपका पहले आपका ट्रांसमिट होगा, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर आपका यहाँ पर कंज्यूमर तक पहुँचेगा। तो कहने का मतलब किसके माध्यम से आ रहा है, ठीक है, किसके माध्यम से आ रहा है, तो ये कंडक्टर है, एक वायर के माध्यम से आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, एक कंडक्टर है, तार है, तो वो कंडक्टर क्या है, यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम का कंडक्टर हो सकता है या कॉपर का कंडक्टर हो सकता है। ये जो चालक, जिसे चालक आप हिंदी में बोलते हैं, कंडक्टर क्या बोलते हैं, चालक, ठीक है। वैसे दोस्त मैंने मिक्सअप लिखा है, वैसे आपको कोई इंग्लिश में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, चूंकि आप देखेंगे बिल्कुल मैंने छोटा छोटा यहाँ पर लिखा है, ठीक है, मिक्स लिखा है, इसलिए कुछ क्लियर आपको रहे पूरा। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई को जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है, कंडक्टर। और अगर इसकी थोड़ा हम टेक्निकल बात करें या टेक्निकल लैंग्वेज में इसका आंसर दें, तो आप कहेंगे कंडक्टर करंट के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करके कम पावर लॉस पर पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करता है, अर्थात पहुंचाता है, ट्रांसफर करता है। कहने का मतलब ऐसा कंडक्टर हमें लेना है। देखिए कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। साथ में एक गुड कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर कितने टाइप के हैं, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले समझते चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक गुड कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे, अभी बात करते हैं, पहले ये समझ लीजिए अगर कंडक्टर कोई है तो कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, तो उसमें क्या है, उसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। तो लो रेजिस्टिविटी पाथ, कुल मिलाकर कंडक्टर ऐसा आपको लेना है जो लो रेजिस्टिविटी पाथ प्रोवाइड करे और कम पावर लॉस हो। ऐसा ना हो कि आपने 100 यहाँ से भेजा और आपको 90 मिल रहा है, मान लीजिए कि पावर लॉस चलेगा। अगर इससे भी बहुत ज़्यादा कम आपको मिल रहा है, इसका मतलब रास्ते में पावर लॉस बहुत ज़्यादा आपका ड्रॉप हो रहा है, तो ऐसा हमें कंडक्टर नहीं लेना है। तो ऐसा कंडक्टर जो करंट के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करके कम पावर लॉस पर पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करे, जैसे कि GS अर्थात जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई आपकी जो दी जा रही है, बन रही है, इस इलेक्ट्रिक सप्लाई को यहाँ से फिर कंज्यूमर तक जो भेजा जा रहा है, तो ऐसा कंडक्टर हमें यूज करना है जिसमें लॉस कम से कम हो, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी प्रोसेस हैं, चूंकि हम बात करेंगे कंडक्टर के, तो इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए, पहला यहां पर पॉइंट आता है करंट। आपको पता है जो करंट होती है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। कहने का मतलब है कि अगर कोई कंडक्टर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई आपका कंडक्टर है, ये आपका क्या है, कंडक्टर, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैं यहां पर बनाता हूं, इधर सुनिए, ये आपका कंडक्टर है, सुनिए, अब आपको और क्लियर दिखेगा, ये आपका क्या है, एक कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमने माना A1 है। अब इसी का क्रॉस सेक्शन एरिया हमने बढ़ा दिया थोड़ा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लिया हमने A2 है। क्रॉस सेक्शन एरिया आप समझ रहे हैं ना, साइड का जो आपका क्रॉस सेक्शन, ये जो आपके होते हैं वायर जो है सीधा, वो कितना मोटा वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, तो यहां पर अगर A1 और फिर A2 को बढ़ा दिया, अर्थात A2 इज ग्रेटर देन क्या है, A1, अर्थात A2 का क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर ज्यादा है, ठीक है, मतलब कंडक्टर 1 ये है, कंडक्टर 2 ये है, तो कंडक्टर 2 का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है 1 की तुलना में। तो यहाँ पर करंट किस में ज़्यादा प्रवाहित होगी, तो कंडक्टर 2 में करंट भी ज़्यादा प्रवाहित होगी, अर्थात I2 इज ग्रेटर देन I1। आप समझ चुके होंगे, मतलब जितना मोटा वायर आपका होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा रहेगा तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी, ठीक है, मैं यही चीज़ आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था। तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया की हमने आपसे डिस्कस कर दिया, यहाँ पर क्या पॉइंट था, हाँ, करंट जो फ्लो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। अब प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर, अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा, सुनिएगा। प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर का मतलब क्या है, एक अच्छे कंडक्टर के लिए उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। अगर आपने मान लीजिए एल्यूमिनियम का कंडक्टर लिया, या फिर आपने कॉपर का कंडक्टर लिया, या फिर आप किसी और धातु को आप कंडक्टर लेते हैं, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ देखेंगे कि आपको पता चले कि ये एक अच्छा कंडक्टर है या नहीं, उसमें क्या क्या आप पैरामीटर उसमें देखेंगे। तो यही एक से वही पॉइंट के हम इम्पॉर्टेंट की बात करने वाले हैं। अगर आप किसी वायर को देखकर उसमें आप क्या क्या उसमें चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या है, उसी से आपको पता चलेगा कि एक गुड कंडक्टर है या नहीं। तो प्रॉपर्टी अर्थात उसमें गुण क्या होते हैं, तो पहला पॉइंट हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। कंडक्टिविटी का मतलब आप समझते हैं, देखिए रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों अलग चीज़ हैं दोस्त। कंडक्टिविटी जो होती है वो रजिस्टिविटी की क्या होती है, वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब अगर आप लिखते हैं कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रजिस्टिविटी, तो ये बात सही होगी। कहने का मतलब अगर रजिस्टिविटी जिसकी कम है, मतलब प्रतिरोधकता, जिसकी प्रतिरोधकता आपकी कम है, उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी, अर्थात जो चालकता जिसे कहते हैं। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है, मैं आपको एक मिनट मेंशन करना चाहूँगा, ये आपको फार्मूला पता है। देखिए आर बराबर आप पता है रो इंटू एल बाई ए, ये फार्मूला सभी स्टूडेंट को पता होगा। R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, रो का मतलब यहाँ पर क्या है और R का मतलब क्या है ये समझिए। R जो होता है ये रजिस्टेंस होता है, बोले तो ये चालकता, आपका रजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध है, क्या है प्रतिरोध, और ये क्या है ये है विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका क्या होता है, ये रजिस्टेंस होता है, इसे कहते हैं स्पेसिफिक रजिस्टेंस, या इसी को कहते हैं रजिस्टिविटी, क्या कहते हैं इसे रजिस्टिविटी, सुनिएगा रजिस्टिविटी, इसे क्या कहते हैं रजिस्टेंस। आप याद कैसे रखेंगे, देखिए ये फार्मूला पता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो जो रजिस्टेंस है और रजिस्टिविटी में अंतर क्या है, रजिस्टिविटी सदैव ध्यान रखिएगा मटेरियल की प्रकृति अर्थात प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। अर्थात अगर आपने कंडक्टर आपने अगर कॉपर का कंडक्टर लिया है तो उसकी रजिस्टिविटी अलग होगी, ओके। और जो आपका कह सकते हैं कि अगर आपने एल्यूमिनियम का कंडक्टर लिया है तो उसकी रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता अलग होगी। तो ये आपके लंबाई और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, कौन रेजिस्टिविटी, लेकिन प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई और एरिया पे डिपेंड करता है। अर्थात किसी कंडक्टर की अगर लेंथ को या फिर उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर कम ज्यादा आप करेंगे तो आर पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन कोई कह देता है, ये देखिए अलग से, ये एडिशनल आपको मैं नॉलेज दे रहा हूं, अलग से ये बता रहा हूं। यहां पर बात इतनी से है कि अगर रेजिस्टिविटी आपसे कहा जाए कि रेजिस्टिविटी क्या मतलब कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है, तो आप तुरंत बताएंगे लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो ओनली मटेरियल की प्रकृति पर डिपेंड करती है, ओके, नेचर पर। अर्थात अगर आपका कंडक्टर कॉपर का है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, अगर एल्यूमिनियम का है तो उसकी रजिस्ट्री अलग होगी। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप एक मिनट ये समझिएगा, जैसे कि रजिस्ट्रिटी की बात कर रहे हैं, तो ये आपका कॉपर का कंडक्टर है, ठीक है, ये भी कॉपर का कंडक्टर है, मैं कह रहा हूँ दोनों कॉपर के कंडक्टर हैं, ये दोनों कॉपर के कंडक्टर हैं। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे अगर इसके लेंथ और इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को, ये कॉपर के दोनों हैं, CU हम लिख दे रहे हैं, दोनों कॉपर के हैं, अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर लेंथ को कम ज़्यादा कर देते हैं, एक आपका मान लीजिए 100 मीटर का है, दूसरा आपका 200 मीटर का है, तो क्या इसके रेजिस्टिविटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आप बिल्कुल कहेंगे कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि जो आपका मटेरियल है वो मटेरियल किस प्रॉपर्टी का है ये डिपेंड कर रहा है ना, ओके, नेचर उसकी डिपेंड कर रहा है। तो आपका ये जो नेचर किसका है, ये कॉपर का है, तो कॉपर का मटेरियल है तो इसके लिए रेजिस्टिविटी फिक्स है, अर्थात कॉपर का है तो कॉपर की रेजिस्टिविटी वही होगी, या उसकी लेंथ कम कर दें या उसकी लेंथ ज़्यादा कर दें, ओके। तो ये रेजिस्टिविटी लेंथ पर नहीं डिपेंड करता, लेकिन आपका रेजिस्टेंस जो होता है वो अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्यों, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। हमारा यहां पर मुद्दा यह था कि आपको रेजिस्टिविटी की हम जो बात कर रहे थे, देखिए R इक्वल टू रो एल बाई ए जो होता है ये होता है, ठीक है, ये R की हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो रो होता है इसे रेजिस्टिविटी या फिर आप कहते हैं प्रतिरोधकता, ये आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है, L और A पे डिपेंड नहीं करता है। तो वही कह रहे हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कहने का मतलब जब रेजिस्टिविटी कम होगा तो उस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो आप कहेंगे कि रो जो होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है,
जो रो होता है वो इस प्रकार से फार्मूले होते हैं, आपको याद होना चाहिए, जो रजिस्टिविटी इसे कहते हैं रो को रजिस्टिविटी, और इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं क्या, इसे कहते हैं कंडक्टिविटी। तो रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई है तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो होगी, अर्थात आसानी से फ्लो होगी, उसमें लॉसेस कम होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टी है वो करंट को फ्लो कराने के लिए ही होती है। ठीक है, तो कोई कंडक्टर है, अगर उसमें करंट फ्लो होना है तो अगर उसकी कंडक्टिविटी अच्छा है, अर्थात कंडक्टिविटी क्या करता है, जो करंट फ्लो हो रही है उसका सपोर्ट करता है करंट फ्लो होने का कंडक्टर में, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या करता है, करंट के फ्लो होने का अपोज करता है, विरोध करता है, उसको नहीं फ्लो होने देता। कौन? रेजिस्टिविटी। तो अच्छा कौन है? हम तो करंट फ्लो कराना चाहते हैं ना, जो जीएस है जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई कंज्यूमर तक भेजना चाहते हैं, कब जाएगी? जब करंट फ्लो होगी। तो करंट कब फ्लो होगी? जब आपकी हाई कंडक्टिविटी होगी और लो रेजिस्टिविटी होगी। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे आप। तो कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। देखिए ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको समझना, और ऐसे देसी लैंग्वेज में आप समझिए इसको, कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती से है। मजबूती का मतलब ये है, अगर आप कोई कंडक्टर ऐसा लेते हैं कि आपने, मान लीजिए देखिए कंडक्टर ऐसे समझिए कि आपका दो पोल के बीच आपने इस कंडक्टर को लगा दिया, जो टावर है दो पोल के बीच, या पोल मतलब आपका मैंने खंबे के बीच आपने लगा दिया, और आपका जो वायर है उस इतना ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल है, या फिर कह सकते हैं इतना ज़्यादा आपका उसमें झोल है, जिसे सैग कहते हैं अपने टेक्निकल लैंग्वेज में, सैग का हम लोग पढ़ेंगे आगे पॉइंट में, तो उसमें इस प्रकार से इसमें झोल आ जाता है, तो इतना ज़्यादा उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ वही है कि वो इस प्रकार से सीधे में रहे, मतलब आपने दो पोल के बीच लगा दिया तो कम से कम उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ बनी रहे। तो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, ऐसा कंडक्टर को हम गुड कंडक्टर अर्थात अच्छा कंडक्टर कहते हैं। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, अच्छी। नेक्स्ट, लो टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब यहां पर क्या है, इसका मतलब यह है लो टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब यहां पर जो अल्फा जिसे आप डिनोट करते हैं अल्फा से, यहां पर यह है कि आप ऐसा कंडक्टर ले रहे हैं जिसका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा और तुरंत ये क्या हो गया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, ये आपका कह सकते हैं कि मुलायम हो गया, या फिर इसमें टेम्परेचर कॉफिशियंट आपका, इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करता हूं। टेम्परेचर कॉफिशियंट का एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा दोस्त, आर बराबर आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये फार्मूला आपको याद होगा। R बराबर आर नॉट, R इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी में जो आपका आर नॉट है ये क्या है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका रेजिस्टेंस है। ये R क्या है, जिस डिग्री सेंटीग्रेड पर आप मीजर करना चाहते हैं वो आपका है। अल्फा जो है यहाँ पर वही है टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस। और आपको पता होना चाहिए कंडक्टर है, कंडक्टर का टेम्परेचर कॉफिशियंट जो होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। अर्थात यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस का मान, अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो अल्फा का मान भी बढ़ेगा, इसलिए कंडक्टर का टेम्परेचर कॉफिशियंट क्या होता है, पॉजिटिव। और सेमीकंडक्टर और आपके कह सकते हैं इंसुलेटर का, इनका दोनों का जो टेम्परेचर कॉफिशियंट होता है ये निगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के बढ़ने से, अर्थात रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अल्फा का मान बढ़ेगा, बोले तो टेम्परेचर कॉफिशियंट बढ़ेगा, तो ये क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए, लो टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए। भाई रेजिस्टेंस जो है कम होगा तभी तो आपका होगा। ओके, कुल मिलाकर रेजिस्टेंस से मतलब है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि एक बिल्कुल कड़ा हो। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ी बनी रहे। चलिए, गुड कंडक्टर की सब पॉइंट हैं। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट इज फ्री होना चाहिए, अर्थात एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से जो आपका वायुमंडलीय प्रभाव है, ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अर्थात ऐसा ना हो कि किसी कंडक्टर को जैसे मतलब हवा में रखा गया तो उसमें ऑक्सीडेशन होने लगे, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि आप आयरन लोहे को आप रखते हैं तो कुछ दिन के बाद उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस आपने पढ़ा होगा, तो उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने लगता है। तो ये क्यों हो रहा है, तो इससे क्या होना चाहिए, तो वो गुड कंडक्टर नहीं है। तो अगर गुड कंडक्टर होना है तो इसका मतलब है वो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात वायुमंडलीय प्रभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉस्ट कम होनी चाहिए, ऐसा कंडक्टर हम लेंगे जिसकी कीमत कम से कम हो, ठीक है, तो वो गुड कंडक्टर। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा कंडक्टर आप अच्छा कंडक्टर नहीं कह सकते। नेक्स्ट, वेट कम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका आप कहते हैं भार, तो ऐसा आप कंडक्टर लेंगे जिसका भार कम हो। जैसे कि आपको कंपेरिजन करें तो कॉपर कंडक्टर है और आपका एल्यूमिनियम कंडक्टर है, कौन हल्का होता है बताइए आप, कॉपर होता है या एल्यूमिनियम,
तो बिल्कुल सिंपल सा पता है, एल्यूमिनियम कापर की तुलना में क्या होता है, वेट इसका कम होता है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है एल्यूमिनियम के लिए। तो यहाँ पर वेट कम होना चाहिए और अर्थात हल्का होना चाहिए, हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केट में सरलता से उपलब्ध, अर्थात आपको मार्केट में ये अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं आपको दूसरे कंट्री या फिर बहुत दिक्कतों के साथ आपको ये लाना पड़े। क्योंकि जैसे कॉपर है, अपने इंडिया में कॉपर की मात्रा कम है, तो इसलिए अदर कंट्री से लाना पड़ता है। तो ये एक क्या हुआ, कॉपर मतलब ज़्यादा उपयोगी नहीं साबित हो रहा है, रीजन है उसकी कीमत ज़्यादा हो रही है, प्लस उसका वेट एल्यूमिनियम की तुलना में भी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जब आपको टाइप्स ऑफ कंडक्टर बताएंगे। अब चलिए हम समझते हैं कि हम दो प्रकार के कंडक्टर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि कंडक्टर, तो देखिए कंडक्टर तो टाइप्स बहुत हैं आपके, ACSR कंडक्टर, डबल ए कंडक्टर, SSC कंडक्टर, ये सभी जितने कंडक्टर हैं ये सब कंडक्टर हैं। लेकिन उससे पहले जो हम देखते हैं वो कैसे दिखता है ये समझिए। तो हम जब देखते हैं तो आपको कंडक्टर टू टाइप का दिखता है, एक सॉलिड कंडक्टर या फिर एक स्ट्रैंडेड कंडक्टर। स्टैंडर्ड कंडक्टर हम नहीं कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रैंडेड कंडक्टर कह रहे हैं। स्ट्रैंडेड का मतलब यहाँ पर, सॉलिड का मतलब तो ठोस है, ये सिंपल सी बात पता है। स्ट्रैंडेड कंडक्टर का मतलब होता है लड़ीदार कंडक्टर। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सॉलिड कंडक्टर, पहले मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, पूरा सॉलिड कंडक्टर है। अर्थात ऐसा कंडक्टर आप लेंगे जिसमें कोई भी अलग से कंडक्टर नहीं है, एक पूरा का पूरा ये कंडक्टर रहेगा, ठीक है, एक पूरा कंडक्टर रहेगा, तो उसे कहते हैं सॉलिड। लेकिन आप इधर देखेंगे ये दूसरा वाला कंडक्टर, ये कैसा है, यहाँ पर एक मिनट मैं इसको कलर को चेंज करता हूँ, अब बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कंडक्टर आप देख रहे हैं इसमें क्या है, नंबर ऑफ सब कंडक्टर हैं, अर्थात एक पूरा ये कंडक्टर है उसमें आप छोटे छोटे भी कंडक्टर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे भी इसके अंदर कंडक्टर हैं, उसे आप सब कंडक्टर कहते हैं। तो ये क्या है, ये आपके जो कंडक्टर हैं इसी कंडक्टर को कहते हैं लड़ीदार या स्ट्रैंडेड कंडक्टर, जिसमें कंडक्टर के ऊपर कंडक्टर लगे होते हैं, इसके बारे में डिटेल में मेंशन करेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, बीच में एक सेंट्रल कंडक्टर के चारों तरफ जो कंडक्टर आपके होते हैं इस प्रकार से, ये सभी क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे जो कंडक्टर हैं चारों तरफ लगे हुए, ये घुमाकर थोड़ा उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है, अर्थात ऐठन के साथ रखा जाता है, ठीक है, जिससे क्या हो, एक दूसरे से लगे रहें, जैसा कि आप फिगर में समझ पा रहे होंगे। देखिए ये घुमा कर रखा गया है। एक फिगर और मैं दिखाना चाहूँगा, एक आप घर में सिंपल देखते हैं कि आपके घर में जो वायर आता है उसमें आप जैसे फैन या फिर लाइट का लगाते हैं, उसमें वायर को जब थोड़ा कट करते हैं तो आप देखते हैं इस प्रकार का कंडक्टर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब एक वायर रहेगा लेकिन उसमें पतले 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 वायर रहते हैं, और वो क्या है, जो पतले पतले आपके वायर हैं उसी को क्या, अगर नंबर आप वायर को बढ़ाकर, मतलब वो जो सब कंडक्टर हैं, इससे इसके एडवांटेज क्या है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर का, हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर जो बार बार कह रहे हैं इसका फायदा क्या है, इसको हम मेंशन करते हैं, ठीक है। सॉलिड कंडक्टर क्या है, देखिए सॉलिड कंडक्टर में जो ये पॉइंट है, मैं इसको डिस्कस करता हूं कि इसकी तुलना में जो आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर है इसमें बहुत एडवांटेज है, ठीक है, उसी को एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो पहले आप क्लियर समझ चुके हैं, सॉलिड का मतलब एक सिंगल कंडक्टर है, ठीक है, और स्टैंडर्ड का मतलब नंबर आप इसमें बहुत से सब कंडक्टर होते हैं। चलिए पॉइंट की तरफ चलते हैं, यहां पर मेरा पॉइंट था आपसे स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था लड़ीदार कंडक्टर क्या होता है, तो लड़ीदार कंडक्टर पहले समझ लीजिए, जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है इसमें हाई वोल्टेज पर लड़ीदार कंडक्टर में कोरोना लॉस कम होता है। पिछले वीडियो में कोरोना लॉस के बारे में डिटेल में MCQ लेकर आया था, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, पूरे आपको 6 वीडियो 7 वीडियो तक का आप जाकर उसको देखिए। प्लस आपको थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल नहीं, आपको पूरा पावर प्लांट, 3 पावर प्लांट मैंने डिस्कस किया है, प्लस टर्बाइन, सारी चीज़ों को मेंशन किया, लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। न्यू स्टूडेंट है तो जाइए उनको देखिए, चीज़ों को सीखिए, उससे ज़्यादा पेपर में भी नहीं बनने वाला, क्योंकि आपका इतना ज़्यादा कोर्स पढ़ाया नहीं गया, तो 50 से 60% ही सिलेबस से आपका क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, तो जितना पढ़ें सॉलिड पढ़ें, मेरा कहने का मतलब ये है आपसे। चलिए स्टैंडर्ड कंडक्टर की अगर बात करें तो हाई वोल्टेज पर लड़ीदार कंडक्टर में कोरोना लॉस कम होता है, ये चीज़ मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे कम होता है, बस इतना ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड कंडक्टर में आपका कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लड़ीदार कंडक्टर का मतलब क्या होता है, एक कंडक्टर सेंटर में होता है और अन्य कंडक्टर उसके चारों ओर ट्विस्ट बोले तो एठन किए हुए या लिए हुए चारों ओर लिपटे रहते हैं। कैसे, आप समझिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आपका बीच में एक सेंट्रल कंडक्टर होता है, इसके चारों तरफ 1 2 3 4
पाँच छः, इसके चारों तरफ ये जो लगा दिया गया ये आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर हो गया, मतलब सेंटर में आपका एक कंडक्टर है, इससे ये क्या है आपका, ये सेंटर में है, ठीक है। और ये जो चारों तरफ लगा दिया ये आउटर साइड है। अच्छा, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि आपके बीच में आपने ड्रेड के बाद जो तीन बाहर में कंडक्टर लगाए तो सिक्स कंडक्टर ही वो आपने क्यों लगाया है, ठीक है। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सिक्स के बाद ट्वेल्व कैसे लगता है, ये सारी चीज़ें मैं मेंशन करने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका बीच में सेंट्रल कंडक्टर, इसके आउटर साइड में आप देखेंगे सिक्स कंडक्टर, टोटल थ्री थ्री सिक्स कंडक्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये पॉइंट आपको समझाना है, तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर जो आपका है बीच में एक सेंट्रल कंडक्टर होता है, और अच्छा सेंटर कंडक्टर जो है वो कौन सा कंडक्टर होता है, तो ACSR कंडक्टर की अगर हम बात करें, ACSR अभी के लिए बता दे रहा हूँ लेकिन इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूँगा आने वाले वीडियो में। ACSR जिसे आप क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम, यहाँ पर क्या है दोस्त, ACSR है, एक मिनट, हाँ एल्यूमिनियम, एक मिनट दोस्त, फिर से फिगर को बनाते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ये आपका हो गया, ठीक है। और इसके साइड, इसके चारों तरफ हम यहाँ पर रेड से कर देते हैं, तो यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल आप देखेंगे बाहर हमने सिक्स कंडक्टर को बनाया, बीच में एक आपका सेंट्रल कंडक्टर है। मैं ये कह रहा था जैसे ACSR आपका कंडक्टर होता है जिससे आपका क्या है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, फिर से सुनिएगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, इसमें एल्यूमिनियम आ रहा है प्लस स्टील आ रहा है, तो बीच वाला जो सेंट्रल वाला होता है ये आपका स्टील का कंडक्टर होता है, किसमें, ACSR कंडक्टर में, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा टाइप्स ऑफ कंडक्टर में, ओके। और जो बाहर बाहर ये है ये सभी कंडक्टर एल्यूमिनियम के होते हैं, ये सभी कंडक्टर एल्यूमिनियम के होते हैं। अच्छा, बीच में स्टील का क्यों लगाया गया, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, और बाहर एल्यूमिनियम की क्यों लगाया गया, ये आपका वेट में हल्का होता है, सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, समझ रहे हैं, कौन, एल्यूमिनियम हल्का होता है, वेट में हल्का होता है, सस्ता होता है, प्लस आपका आसानी से प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। और मतलब एल्यूमिनियम जो होता है अपने इंडिया में आसानी से मिलता है, बट जो कॉपर होता है वो बाहर से कंडक्टर को मंगाना पड़ता है, इसलिए कॉपर का यहाँ पर यूज नहीं कर रहे, ACSR का ज़्यादा ही ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। कोरोना वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कोरोना लॉसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोरोना की बात नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है, एल्यूमिनियम है, स्टील है, तो बीच में स्टील का क्यों है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। बाहर एल्यूमिनियम क्यों लगाया गया है, ये आपका इसलिए कि इसका वेट कम रहे। ACSR कंडक्टर में हम बात करेंगे, मैं यहाँ पर पॉइंट ये आपको समझाने वाला था, आपको यहाँ पर मैं ये समझाने वाला था, जो लड़ीदार कंडक्टर होता है बीच में आपका अलग कंडक्टर है सेंटर, और साइड साइड इस प्रकार से कंडक्टर होते हैं। चलिए ये चीज़ आप समझ चुके होंगे, अभी आप बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, अभी मैं पॉइंट समझाता हूँ तो क्लियर होगा। अब बात करते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर की, अर्थात लड़ीदार कंडक्टर के ही बारे में पूरी बात करेंगे। सुनिए, पहले तो हमने बताया हाई, ये जो आपका अगर स्ट्रैंडेड कंडक्टर है, लड़ीदार कंडक्टर है, तो उसकी हायर फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए स्ट्रैंडेड कंडक्टर को बनाया जाता है। अच्छा, आपका क्वेश्चन यही आएगा कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर, हम जब हमारे पास सॉलिड कंडक्टर था तो क्या जरूरत थी एक कंडक्टर को बार बार कट करके पतला पतला बनाने की, ओके, स्ट्रैंडेड कंडक्टर की क्या जरूरत पड़ी। तो दोस्त यहाँ पर इससे ये हुआ कि आपको हायर फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, ओके, मतलब अगर आपका एक सॉलिड कंडक्टर दे दिया जाए और दूसरे कंडक्टर से इससे मतलब दोनों को जोड़ना रहे तो क्या आप हाथ से जोड़ पाएंगे इसे, नहीं, चूंकि, या फिर आप अपने कह सकते हैं कि ही जोड़ पाएंगे, सॉलिड रहेगा तो जोड़ने में दिक्कत होगी क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, बहुत कम होगी, ओके। लेकिन अगर उसी को अलग अलग वायर हो जाएगा, पतला पतला वायर हो जाएगा, तो आसानी से जोड़ सकेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी हाई होती है। नेक्स्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी आपको प्रोवाइड हो जाता है। रीजन क्या होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ का, क्योंकि बीच में जब आप ACSR कंडक्टर का एग्जाम्पल लेंगे तो बीच में स्टील का यूज कर देते हैं और बाहर बाहर एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, तो बीच में जब स्टील का हो गया तो आपको एल्यूमिनियम तो वैसे भी बहुत मुलायम होता है, चीज आपको पता है कि आप थोड़ा सा घुमाएंगे घूम जाता है, लेकिन यहां पर उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ थोड़ा प्रोवाइड करने के लिए बीच में सेंटर वाला जो वायर का होता है, सेंट्रल कंडक्टर सब कंडक्टर होता है, वो आपका स्टील का होता है। किसका बना होता है, स्टील का। तो हरदम याद रखिए, स्टील किस लिए होता है, स्टील से, एस से स्टील होता है, ठीक है, और एस से स्ट्रेंथ होता है, एस से क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये आपका एक तरीका हो सकता है, मेथड हो सकता है, ट्रिक हो सकता है कि स्टील को क्या होता है, स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम स्टील का यूज करते हैं। लड़ीदार कंडक्टर आपको इस प्रकार से दिख रहा, थोड़ा और जूम कर देते हैं, देखिए ये आपका कंडक्टर जो है। अच्छा, सिक्स क्यों बनाया गया, क्या और बड़ा नहीं बनाया जा सकता। अब यहां पर आता है पॉइंट,
नंबर ऑफ, हमने लिखा नंबर ऑफ सब कंडक्टर इज स्टैंडर्ड कंडक्टर, ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ सब कंडक्टर किसे कहते हैं, सुनिए, अगर इस पूरे की बात करें तो ये एक कंडक्टर है, ये एक आपका क्या है, कंडक्टर है, लेकिन इसमें कहें नंबर ऑफ सब कंडक्टर, जैसे आपसे कहें कि एक कह सकते हैं कि आपसे कैसे कहा जाए कि एक आपकी रेल जा रही है, ठीक है, एक ट्रेन जा रही है, उसमें कितने डिब्बे लगे हुए हैं, अगर आप पूरी ट्रेन को लेकर चलेंगे तो एक हुआ, लेकिन अगर आपका कहा जाए कि उसमें कितने डिब्बे हैं तो आप कहेंगे उसमें बहुत से डिब्बे हैं, आप मान लीजिए उसमें आपके 40 डिब्बे हैं, तो ये जो हुए ये 40 डिब्बे हुए और ये पूरी ट्रेन हुई, उसी प्रकार से ये पूरी क्या है, ये पूरा कंडक्टर है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडक्टर है, इसमें नंबर आप वायर कितने हैं, पतले पतले जो वायर हैं ये कितने हैं, वो आपके सब कंडक्टर हैं, ठीक है, समझ चुके होंगे आप, तो इसमें नंबर ऑफ सब कंडक्टर कितने दिख रहे हैं, नंबर ऑफ सब कंडक्टर 7 है, कितना 7, इसका फार्मूला देता हूं, अगर नंबर ऑफ लेयर बढ़ जाते हैं तो कितने होंगे, अब सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत ऊपर का नहीं बता रहा हूँ, पहली बार सुन लीजिएगा, ठीक है दोस्त, ये आपके सिलेबस में ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत बाहर से कुछ नहीं बता रहा हूँ, चलिए सुनिए, नंबर ऑफ सब कंडक्टर इन स्टैंडर्ड कंडक्टर की बात करें तो इसका फार्मूला होता है 1+3n+3n2। अगर आपका देखिए कोई कंडक्टर आपको दे दिया गया और आपसे कंडक्टर देने के बाद बोला गया आप बताइए भाई कि इसमें नंबर आप सब कंडक्टर कितने हैं, मतलब टोटल जो छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे जो हैं ये टोटल एक एक गिन कर बताइए कितने हैं, तो क्या आप एक एक गिनेंगे, नहीं, उसका एक तरीका है, उसका एक फार्मूला है, अगर एक लेयर का आपको दिया जाता है, एक सिंगल लेयर, अच्छा लेयर क्या है, यहाँ पर जो एन है यही है आपका नंबर ऑफ लेयर, अब आपके दिमाग में आया लेयर यहाँ पर क्या है, तो दोस्त यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये आपका है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें एक के बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा आएगा एक लेयर हो गया, ये एक लेयर हो गया, जैसे ये आपने बनाया, ध्यान सुनिएगा, ये आपने बनाया, सुनिए एक मिनट, यहाँ पर जूम करते हैं, ये तरीका बहुत सही है दोस्तों, वाइट लीजिए आराम से आप बना सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर एक हमने बीच में लिया, ठीक है, इसको हमने चेंज किया कलर को, ये 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 और ये कितने हुए, ये तो 5 ही हुए, एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गए, ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर हमने लिया, हमें बताना क्या था आपको, हाँ 1+3n+3n2 ये फार्मूला आपका है, इसमें लेयर जो मैं कह रहा हूँ, लेयर का मतलब मैं ये आपसे कह रहा हूँ, लेयर का मतलब जो एक यहाँ पर है, एक आपका सेंट्रल के बाद जो एक लेयर आया, ये एक ही तो आया, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गया, नंबर ऑफ लेयर यहाँ पर कितने हुए 1, अगर आपको यहीं पर अभी समझ लीजिए, थोड़ा सा वेट करिए मैं समझा रहा हूँ, n की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, अगर यहीं पर n की वैल्यू आप रखेंगे, अगर n की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो 1+, अगर n की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर 1+ होगा, क्या होगा, 1+3n जो है वो 3×1 हो जाएगा, +3×1 का स्क्वायर हो जाएगा, आएगा कितना, 1+3+3 कितना हो जाएगा, 1+3+3=7, तो क्या नंबर आप सब कंडक्टर आपके 7 नहीं आ गए, तो जब लेयर 1 होगी अर्थात n की वैल्यू 1 होगी तो नंबर आप नंबर आप सब कंडक्टर कितने होंगे, 7 होंगे, अब यहां पर समझ लीजिए, कुछ समझ में आया होगा, सुनिए पहले ध्यान सुन लीजिएगा, अब यहां पर मैंने मेंशन भी किया है, देखिए नंबर ऑफ सब कंडक्टर 1+3n+3n2 फार्मूला होता है, इसी को हम 3n कॉमन लेके 1+3n+n+1 लिख सकते हैं, n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर है, अभी कुछ लोग को नंबर ऑफ लेयर ही नहीं समझ में आया, ये 100% है, नंबर ऑफ लेयर नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अभी समझ जाएंगे, ये 100% मेरी गारंटी है, सुनिए यहाँ पर 1+3n+3n2 है, तो यहाँ पर n जो नंबर ऑफ लेयर है, ये हमने बताया कि जो एक गोला आपने यहाँ पर बनाया उसके ऊपर 7 गोले बनाए, बोले तो 7 सब कंडक्टर बने, तो उसके ऊपर यहाँ पर 6-7 सब कंडक्टर बने, तो एक जो है इसके ऊपर एक लेयर बना, अगर यहीं पर तो आपका कितना आया, ये आपका 7 आ गया, जैसे अभी फार्मूला से हमने रखा बताया नंबर ऑफ सब कंडक्टर कितने 7, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सुनिए आप समझ जाएंगे, नंबर ऑफ लेयर इज इक्वल टू, अर्थात मेरे दोस्त अगर आप यहीं पर एक हमने ये लिया, सुनिएगा, और यहाँ पर कलर को चेंज करके मैंने इसके ऊपर पहले क्या बनाया, पहला लेयर बनाया 4 और ये 6 हुआ, अब इसी के ऊपर अब हमारा नंबर ऑफ लेयर 2 जैसे हुआ, तो इसी के ऊपर हम यहाँ पर अब बनाते हैं, आपको देखिए 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टोटल इसके ऊपर जो होंगे 12 सब कंडक्टर होंगे। अच्छा ये कैसे हो रहा है, मैं अपने से बना दे रहा हूँ? नहीं, फार्मूले से आपका आ रहा है ना। फार्मूला आपका क्या है, 1 + 3n + 3n², ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ लेयर की मैं जो बताना चाहता हूँ उसको सुनिए। अभी देखिए नंबर ऑफ लेयर जब आप इतना बनाए थे, ठीक है, तब आपका जो नंबर ऑफ लेयर था, जो आपका नंबर ऑफ लेयर यहाँ पर था, ठीक है, एक मिनट इसको कलर को फिर से चेंज करना पड़ेगा। हाँ सुनिए, जब नंबर ऑफ आपका लेयर था तब यहाँ पर जो था वो एक था, एक नंबर ऑफ लेयर हो गया, और इसके ऊपर जब एक आपने बना दिया तो यहाँ पर एक लेयर ये आ गया ना, एक लेयर ये और एक लेयर ये। अब नंबर ऑफ लेयर अर्थात एन की वैल्यू यहाँ पर इस्माल, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 2 हो गई। क्या आप समझ पाए मेरी बात को? एक लेयर ये हुआ, इसके ऊपर एक हमने और सब कंडक्टर मतलब मोटा कंडक्टर हम बना रहे हैं भाई, उसमें और भी हो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि आपकी इतना ही पतला वायर, हम और मोटा वायर बनाएंगे तो सब कंडक्टर बढ़ते जाएंगे, तो सब कंडक्टर बढ़ेंगे तो मतलब एन की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब नंबर ऑफ लेयर बढ़ेगा। नंबर ऑफ लेयर क्या है, एक ये लेयर होगा, इसके ऊपर एक और लेयर, तो एन की वैल्यू 2। अब इसमें एन की वैल्यू आप 2 रख कर देखिए कितना आता है, गिन के देखिए आप, यहाँ पर रखिए। अब देखिए एन की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है, जैसे ही एन की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा तो यहाँ पर हो गया 1 + 3 × 2 + एक मिनट स्पेस इस साइड कम है, थोड़ा सा और इसको करता हूँ, 1 + 3 × 1 + 3, 1 का क्या करेंगे आप यहाँ पर स्क्वायर, 1 नहीं है दोस्त सॉरी, यहाँ पर आपके यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है ना, आप बोल भी नहीं रहे, ठीक है सॉरी आप बोलेंगे कैसे, ठीक है 1 + 3 × 2 का स्क्वायर, तो 1 + 3 × 2 + 3 × 2 का स्क्वायर, तो 1 + 6 + 3 × 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब आप इसको जोड़िए कितना आएगा, आप जोड़िए 1 + 6 होगा प्लस 4 तीन कितने होगा 12 होंगे, तो 12 × 6 = 18 कितने होंगे 19। ये 19 क्या है, ये 19 है नंबर ऑफ सब कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ सब कंडक्टर, आप इसको गिन लीजिए, गिनिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हुए। अच्छा यहाँ पर 1 क्या है, 1 बीच वाला आपका कंडक्टर ऑलवेज ये फिक्स रहेगा, फिर 6 अगर आप एक लेयर होगा तो 6 कंडक्टर आ जाएंगे इसके ऊपर, ओके 6 सब कंडक्टर, और फिर जब एक लेयर और अर्थात एन की वैल्यू जब 2 होगी, नंबर ऑफ लेयर 2 होंगे, तो उसके बाहर कितने आप कर बनाएंगे, फिर आप 12 बनाएंगे, कितने 12, 1, 2 जो हमने बनाया है ग्रीन कलर से, ये टोटल नंबर ऑफ सब कंडक्टर कितने हैं 12, तो 12 × 6 = 18 = 19 टोटल सब कंडक्टर कितने हुए 19 हुए। अब यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, ध्यान से आप देख लीजिए, ये देखिए नंबर ऑफ सब कंडक्टर 1 + 3n + 3n², तो यहाँ पर n की वैल्यू नंबर ऑफ लेयर जो है वो 2 है, इसको हमने बनाया था और हमने बता दिया, तो यहाँ पर आप n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 19 आपका आएगा। तो नंबर ऑफ सब कंडक्टर समझ में आ गया कि कितने कैसे निकाला जाता है, बस ये फार्मूला आप याद रखिए, जितने लेयर होंगे उसी का n की वैल्यू है, n की वैल्यू पुट करिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है सिंपल। अब देखिए मैंने नोट में ये लिख दिया कि यहाँ पर अगर आपका लेयर और नंबर ऑफ सब कंडक्टर की बात करें, तो यहाँ पर अगर आपका एक लेयर है तो कितने बन रहे थे सब कंडक्टर 7, 2 लेयर हैं तो कितने बनेंगे 19, 3 है तो कितने बनेंगे 37, 4 हैं तो कितने 61। ये जो हमने निकाला है बस कुछ किया नहीं है, इसी फार्मूले में एन की वैल्यू को 1, एन की वैल्यू को 2, एन की वैल्यू को 3, एन की वैल्यू को 4, 5 इस प्रकार से करते रख गया, और ये कितना है यहाँ पर एन के नंबर ऑफ लेयर कितने हैं यहाँ पर 2 है, आप देख रहे हैं यहां पर एक पहला लेयर एक ये बन जाएगा, दूसरा लेयर कहां बनेगा, ये आपका एक बन गया, तो 2 लेयर बन गए ना आपको, यहां पर बाहर आपको नहीं देखना है, ठीक है। लेयर का मतलब क्या होता है यार दोस्त, यहां पर आप समझ रहे हैं, जैसे कि आपका एक ये है, ठीक है, एक ये है, यही तो होता है कि बीच में कुछ दोनों के बीच जुड़ाव हो वही लेयर है, ठीक है, तो वहां पर क्या है एक लेयर ये दूसरा लेयर ये, तो एन की वैल्यू कितना 2, इसी के ऊपर और भी कंडक्टर बन सकता है, इसके ऊपर जो बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा फिर ये 3 लेयर हो जाएगा, तो एन की वैल्यू जब 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सब कंडक्टर 37 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। अब एक पॉइंट और बात करता हूं, उसके बाद यहां पर इस पॉइंट को खत्म करता हूं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा किसकी, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ सब कंडक्टर नहीं टाइप्स ऑफ कंडक्टर की बात करूंगा। वीडियो लंबा रहा है पता है, लेकिन टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको देखना पड़ेगा, अगर आप सीरियस हो देखिए दोस्त, ठीक है, और वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन जो पूछूंगा उसका आंसर भी आपको देना है, अन्यथा मुझे पता चल जाएगा कि आप वीडियो लास्ट तक नहीं देख रहे हैं, सीरियस नहीं है। ओवरऑल डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, ओवरऑल
डायमीटर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर। देखिए ओवरऑल डायमीटर का मतलब ये है दोस्त कि अभी जैसे कि ये देखिए एक कंडक्टर हमने लिया ये है, इस पूरे का कंडक्टर का अगर डायमीटर आपका हम मानते हैं डी है, पूरे कंडक्टर का डायमीटर क्या है डी है, ऐसे कैसे हम मान लें? तो सुनिए, जो आपके एक कंडक्टर है जो स्टैंडर्ड कंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ जो सब कंडक्टर हैं अर्थात यहाँ पर ये जो आपके टोटल सब कंडक्टर दिख रहे हैं, एक जिसका अगर एक का डायमीटर डी है तो दूसरे का डायमीटर डी होगा, तीसरे का डायमीटर डी, चौथे का, मतलब जितने भी सब कंडक्टर हैं सबका डायमीटर सेम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायमीटर का मतलब समझ रहे हैं दोस्त, व्यास, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो व्यास जो है सभी का डायमीटर फिक्स है, मतलब समान है, फिक्स का मतलब वहां पर सबका इक्वल है, ऐसा नहीं किसी का डी है किसी का डी से कम है, ठीक है, वो तो डी हमने माना है ना। तो मतलब अगर आपका 2 मिलीमीटर है तो किसी का 1 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर, ऐसा कुछ नहीं, 2 मिलीमीटर है तो सभी का जो व्यास होगा डायमीटर का वो कितना होगा, डायमीटर जो होगा वो 2 मिलीमीटर ही होगा। अगर अगर डी है तो सबका डी होगा, अच्छा सबका डी होगा तो पॉइंट समझिए, इसका फार्मूला होता है ओवरऑल डायमीटर का कैपिटल डी इक्वल टू 1 + 2n × d। अगर बनेगा न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन तो इससे ऊपर नहीं बनेगा, ये 100% मेरी गारंटी है, ओके। तो d इक्वल टू 1 + 2n × d, 1 + 2n × d, अर्थात अगर आपसे कहा जाए कि एक लेयर का है, अभी लेयर मैंने आपको बता दिया, देखिए पहले समझ लीजिए n क्या है, नंबर ऑफ लेयर है, लेयर अभी हमने बताया क्या होता है वो समझ चुके हैं, n लेयर हो गया। कैपिटल D क्या है, कैपिटल D है ओवरऑल डायमीटर ऑफ कंडक्टर, आपने जो ये कंडक्टर लिया है इसका जो ओवरऑल डायमीटर मतलब पूरा का डायमीटर कितना है, ठीक है, वो आपका कैपिटल डी है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए स्मॉल डी क्या है, तो स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ सब कंडक्टर, अर्थात यहां पर जितने कितने सब कंडक्टर हैं बताइए, 7 सब कंडक्टर है ना, अभी जस्ट बताया इसमें कितनी लेयर है, एक लेयर है, एक लेयर का आपने फार्मूला से निकाल लिया या फिर वैसे भी आपको दिख रहा है इसमें गिन लीजिए कितने हैं, 7 है। तो जब 7 है तो क्या सबका किसी का डिफरेंट होगा क्या, नहीं, सबका जो सब कंडक्टर है उसका डायमीटर डी है और टोटल ओवरऑल का कितना है कैपिटल डी है। लेकिन आपका कैपिटल डी और स्मॉल डी में रिलेशन क्या होगा ये समझिए, तो यहां पर होगा कैपिटल डी का मान अगर निकालना है आपको टोटल डायमीटर, तो 1 + 2n × d का फार्मूला आपको लगाना होगा, 1 + 2n × d का फार्मूला लगाना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रहे। तो यहां पर हमारा फार्मूला होता है वन लेयर स्टैंडर्ड कंडक्टर की बात करेंगे, तो वन लेयर का मतलब यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 1, n की वैल्यू कितनी हो गई 1, जब n की वैल्यू 1 हो गई तो आप यहां पर पुट कर दीजिए 1 + 2 × 1 × क्या स्मॉल d, कितना आ गया आप बताइए, 1 + 2 कितना हो गया 3d आ गया कि नहीं आ गया बताइए, 3d आ गया कि नहीं। अच्छा आप कहेंगे ये 3d आ गया तो हम क्या करें, 3d आ गया मतलब आपको मैं समझा रहा हूँ 3d कैसे, ओवरऑल डायमीटर का मतलब आप समझिए पहले, यहाँ पर 3d आ गया, अभी नहीं बताऊंगा अभी सुनिए पहले, अब 2 लेयर का अच्छा देख लीजिए पहले, स्टैंडर्ड कंडक्टर 2 लेयर की बात करें तो स्टैंडर्ड कंडक्टर मतलब n की वैल्यू यहाँ पर लेयर 2 होगा, n लेयर मतलब 2 लेयर मतलब n की वैल्यू 2 हो गया, जब 2 हो गया तो आपका फार्मूला ये है, तो d इक्वल टू 1 + 2 × 1 चूंकि n की लेयर कितनी हो गई 2 हो गया ना, तो 1 + 2 × 2 × d, तो मतलब 2 × 2 कितना हो गया 4 + 1 मतलब 5d, कैपिटल D इक्वल टू कितना आ गया 5d, मतलब यहां पर डायमीटर जो ओवरऑल डायमीटर 5d आया वो 2 लेयर के लिए इतना आया और 1 के लिए 3d आया। अच्छा कैसे आ रहा है ये तो फार्मूले से आपका कंफर्म हो गया, लेकिन देखने पर क्या हमें ऐसा दिखेगा, तो 100% आपको दिखेगा। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि 1 लेयर के लिए 3d आ रहा है, तो आपको हमने क्या बताया, एक आप कंडक्टर बना रहे हैं ये 1 लेयर का, तो 1 2 3 4 5 6 ये टोटल यहां पर आपके 6 बाहर हो गए और एक होगा टोटल सब कंडक्टर 7, ये होता है किसके लिए 1 लेयर के लिए। तो आप हमें ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया, अगर एक है ये एक जो आप देख रहे हैं यहां पर, अगर आपका एक सब कंडक्टर है उसका डायमीटर क्या है स्मॉल डी है, एक सब कंडक्टर का डायमीटर आपका कितना है स्मॉल डी है, तो आप बताइए अगर आप ओवरऑल डायमीटर देखेंगे तो ऐसे आप देख के चले जाइए, तो एक पड़ा 2 3 कितने रास्ते में पड़े 3 पड़े और सबका कितना है डी है, सभी का डायमीटर डी है, तो d + d + d कितने हुए 3d, तो डायमीटर 1 लेयर का 3d आया कि नहीं आया देखने पर ये बताइए। आप कहेंगे ऐसे देख लीजिए इस साइड से, एक इसका भी डायमीटर डी है, इसका भी डी है, इसका भी डी, तो टोटल कितने रास्ते में पड़े 3d, तो कितने डायमीटर हो गया ओवरऑल डी। अरे भाई आपका ये ओवरऑल डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो ऐसे देखें या ऐसे देखें या ऐसे देखें, किधर से भी आप देखेंगे आपका डायमीटर कितना आएगा, आपका 3d ही आएगा, ओके।
कितना आएगा, 3D ही आएगा, इस प्रकार से देखें चाहे इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर अगर आप 5D की बात करें, क्या 5D में आ रहा है? तो आप देख लीजिए 5D का मैंने ये बनाया है, तो अगर आपका ये 2 लेयर का है, एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस रास्ते को ऐसे फॉलो करते हैं, ये थोड़ा मैंने जो बनाया है ऊपर नीचे बना है, और सामने जो रास्ते में पड़ेंगे ये 5 पड़ेंगे, ठीक है, मतलब 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 टोटल जो सामने सामने कंडक्टर पड़ेंगे वो 5 कंडक्टर नहीं, सब कंडक्टर, तो ये 5 पड़ेंगे। तो आपके 5 मतलब क्या, डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी करेंगे तो 5D आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 5D जो आपका आया, ये क्या है, ये ओवरऑल डायमीटर है इस कंडक्टर का, ठीक है। आप ऐसे नहीं, आप ऐसे देख लीजिए, आप ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 आए तो क्या हुआ, 5D, मतलब ओवरऑल कैपिटल जी डायमीटर आया वो 5D। लेकिन आपको ऐसे दिखाया नहीं जाएगा, वहां पर यही क्वेश्चन अगर देगा तो आपसे कहेगा 2 लेयर का स्टैंडर्ड कंडक्टर है, उसका डायमीटर आप बताइए। तो आप क्या बताएंगे, आपको फार्मूला लगाना है कैपिटल डी इक्वल टू 1 + 2n × d, ये फार्मूला आपको तुरंत लगाना है, और ये आपका हो गया है 1 + 2 × n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 1 + 2 × 2 मतलब 5, 5D आपका आ गया ओवरऑल डायमीटर। अब किसी का भी आप निकाल सकते हैं, अगर n की वैल्यू आपकी 3 हो गया तो 1 + 2 × 3 × d मतलब कितना हो गया, 2 × 3 = 6, 7D, कितना 7D, किसके लिए, n बराबर 3 मतलब 3 लेयर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस जो की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और आपको ये बेसिक सी चीज़ें जो नॉलेज मैंने दी है ये आगे आपको काम आने वाले हैं, क्योंकि जब आगे के कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे तो उसमें ये बहुत काम आएंगे, क्योंकि अभी ये चीज़ आप ना समझते तो आगे के क्वेश्चन में ये होता कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड और सॉलिड कंडक्टर को समझना डीपली से बहुत ज़रूरी था, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे, लेकिन प्लीज़ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, समझ लीजिए, एक बार लिख लीजिए, तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक बार कहानी को सुने हैं और दोबारा, ये कोई पिक्चर नहीं है दोस्त, ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है, जितनी बार आप पढ़ेंगे तभी याद होगा। देखिए कोई मूवी चलती है तो एक बार आप देखते हैं 100% मूवी का कोई भी पार्ट आपको याद रहता है, लेकिन ये जो रहता है यहां पर कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, जितनी बार आप देखेंगे तभी आपको याद हो पाएगा, और जितनी बार देखेंगे उतना लंबे समय तक याद रहेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर वीडियो यहां तक देखें तो 2-4 क्वेश्चन आपसे बन जाता है। क्वेश्चन ये है आपसे पहला कि अगर आपका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हैं तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगी उसमें या कम फ्लो होगी। दूसरा आपकी, आप हमें ये बता दीजिएगा कि एक गुड कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सभी स्टूडेंट इतना अगर आपने देखा है तो अपना 2 मिनट समय लेकर के कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आते हैं तो वो कमेंट बॉक्स से देखते हैं कि क्या हो रहा है, कमेंट बॉक्स में वीडियो नहीं देखते, वो कमेंट बॉक्स से देखते हैं, उनको ये पता नहीं है कि वीडियो में क्या चल रहा है, इससे नहीं मतलब है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप पहले वीडियो देखिए, समझिए, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, गुड कंडक्टर की सबको प्रॉपर्टी बताना है, और ये जो फार्मूले हैं इसके बेस पर आपको चीज़ें समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, बस उम्मीद करेंगे आप कमेंट में समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, धन्यवाद।